मेरे को एक प्रॉब्लम है हूं मैं, और इस प्रॉब्लम को आपके अलावा पूरे इंडिया में कोई सॉल्व कर ही नहीं सकता। दिखा तो आप लोग समझ गए होंगे आज वीडियो कौन सा टॉपिक पे है ऑन एंड कौन सा मुद्दे पे हम आज आपके सामने रखेंगे। एक्चुअली ये वीडियो जो भी है, एक मेरा जान पहचान का, मेरा भाई का मैटर है। और सबसे बड़ा बात है क्या, स्कैम जो करता है इनका कोई उम्र नहीं होता है, कोई भी उम्र में कर सकता है, और स्कैम करने का कोई टाइम नहीं होता है, ठीक है ना। और जिनका जिनका रग रग में ये स्कैम भरा हुआ है, वो इससे बाज नहीं आएगा, चाहे आप कितना भी जोड़ लगा लो, चाहे आप कुछ भी कर लो। और मैं हूँ राज, और आप देख रहे हो डॉगिस लाइफ। डॉगिस लाइफ आपके साथ है, और डॉगिस लाइफ सच के साथ है। और डॉगिस लाइफ ऐसा एक चैनल है, डॉगिस लाइफ ऐसा एक चैनल है जो चैनल में ऐसा जो स्कैम करने वाला है उसका पर्दाफाश होता है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ गुरसेवक कैनल, जो पंजाब में है, और जिनका ओनर है नरेंद्र पाल सिंह। एक्चुअली हुआ क्या था, मिस्टर भास्कर शर्मा, मिस्टर भास्कर शर्मा जो बुलंदशहर यूपी से है, इनका एक मुद्दा हुआ था। एक्चुअली मुद्दा यह है कि उन्होंने साल भर पहले एक इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे ये कैनल का कुछ एडवर्टाइज वीडियो ऐसा देखा था। वो देखने के बाद इन्होंने फ्रेंच मैस्टिफ लेने का एक प्रोग्राम बनाया, और इनके पास पहले से एक फीमेल थी, इनके पास मिस्टर भास्कर शर्मा के पास एक फीमेल थी। एक्चुअली जब नरेंद्र पाल सिंह से इन्होंने बात किया, भास्कर जी, तो एज पर डील जो हुआ कि उनको 25,000 रुपया देना है, एंड वो जो फीमेल उनके पास है, एक एडल्ट फुल रेडी एंड फुल रिंकल के साथ, आप पिक्चर में देख पाओगे वो फीमेल कैसा था, फुल रिंकल एकदम, फुल एकदम हैवी बोन एक रेडी आपका फीमेल था वो फीमेल। एंड 25,000 के बदले में ये आपका नरेंद्र पाल सिंह, जो आपका गुरसेवक कैनल से है, इन्होंने एक प्यार फ्रेंच मैस्टिफ यानी एक मेल एक फीमेल अलग अलग नस्ल का देगा। तो एज पर डील जैसा हुआ, इन्होंने ये आपका नरेंद्र पाल सिंह इनका घर में बंदा भेज दिया, मतलब उस बच्चे मतलब एक प्यार के साथ, एक प्यार फ्रेंच मैस्टिफ के साथ, क्योंकि उसके फीमेल भी वहाँ पे लेना था। और तब क्या हुआ, वो 25,000 रुपया ऑनलाइन ट्रांसफ़र हुआ, वो भी आप रिसीट देख पाओगे, ऑनलाइन ट्रांसफ़र हुआ। ये मिस्टर भास्कर शर्मा ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके 25,000 रुपया भेज दिया मिस्टर नरेंद्र पाल सिंह के अकाउंट में। हुआ क्या, जो डॉग, अच्छा एक बात भूलना भूल गए, मिस्टर भास्कर शर्मा ये नरेंद्र पाल सिंह से एकदम साफ कहा था कि ये फीमेल से ब्रीडिंग करेगा एंड जो मेल है उससे शो कराएगा। तो शो क्वालिटी कैसा होता है आपको मालूम ही है, फ्रेंच मैस्टिफ। एक्चुअली जो पॉप्स इन्होंने डिलीवर करके गया, तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होता रहा, और जब इन्होंने ये पॉप्स डिलीवर किया, सबसे बड़ा संगीन जुर्म ये नरेंद्र पाल सिंह ने किया, आपका 32 से 34 दिन का बच्चा इनका घर में डिलीवर करके गया, ये एक जुर्म है। आप ब्रीडर बनते हो ना जी, नरेंद्र पाल जी आप ब्रीडर बनते हो, आप इतना बुजुर्ग आदमी हो, आप सब कुछ जानते हो, एक आप 32 34 दिन का बच्चा आप डिलीवर कर रहे हो, ये आप मतलब क्या बोलूं आपको, कहां से आते हैं? आपको ये करना नहीं चाहिए, ये करना नहीं चाहिए आपको,
क्योंकि आप इतना एक्सपीरियंस पर्सन हो, ठीक है, और आप लगभग 25-30 साल से ब्रीडिंग इंडस्ट्री में जुड़े हुए हो, तो आपको सारे कुछ पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी आपने ये गलत काम कर लिए। चलो कोई नहीं, एंड आहिस्ता आहिस्ता जब ये बड़ा होता रहा तो शो क्वालिटी तो छोड़ो भाई, शो क्वालिटी किसको कहते हैं, ये डॉग, ये आप मेल देखोगे ना तो आप मतलब जो भी हो भूल जाओगे। तो मेल जैसे शुरू से ही जब इनो मेल आपका ग्रो होता रहा, आपका 1.5 महीना से पीछे के पैर में एचडी का प्रॉब्लम था। मिस्टर भास्कर शर्मा, मिस्टर भास्कर शर्मा बहुत सारे डॉक्टर के पास लेके गया, इवन ऐसा यूपी में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है कि मिस किया होगा। तो उनका एचडी का प्रॉब्लम था, वो मेल डॉग का, एंड उसका क्या बोलो, आपका बाइटिंग प्रॉब्लम था, ठीक है, अंडरशॉट प्रॉब्लम था। आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे, क्योंकि ऐसा फ्रेंच मैस्टिफ आप बहुत कम देख पाओगे, ठीक है ना, और ऐसा भी बहुत आदमी है कि ऐसा क्वालिटी का फ्रेंच मैस्टिफ आप ज़िंदगी में देखे नहीं होंगे, ठीक है, ऐसा बाइटिंग प्रॉब्लम। तो हुआ क्या, तो अभी तक तो ये आपका 6-7 महीना हो गया था, तब भी ये मिस्टर नरेंद्र पाल सिंह ने पेपर्स नहीं दिया था। चलो कोई नहीं, जो फॉल्ट डॉग है इसके बारे में ये मिस्टर भास्कर नरेंद्र जी को बहुत बार फ़ोन किया, ये किया, ठीक है, तो बीच में तो नरेंद्र जी ने बहुत उल्टा सीधा बोल दिया। चलो बाद में फ़ोन पकड़ा एंड वो लोग को बोला कि भाई आप मेल लेके उनका पंजाब में आ जाओ, उनका कैनल में आप वहाँ पे आके आप एक वो मेल दे जाओ एंड एक बच्चा मेल आप ले जाओ, एंड उसका फादर्स मदर्स उनका ही कैनल में है, आप वहाँ पे जाके देख लो, देख के आप लेके आओ। चलो कोई नहीं, एज पर जिन जैसा बात हुआ मिस्टर नरेंद्र पाल सिंह से, तो वैसा एज पर बात ये आपका भास्कर जी उसका पिताजी को, उनका पिताजी को लेके पंजाब चल गए गाड़ी लेके, और संग संग में उनका जो मेल था वो मेल को लेके चल गया। वहाँ पे जाके जब पहुँचा, उनका कैनल में जब एंट्री लिए, तब इन्होंने पूरा तो बात ही घुमा दिया, ये नरेंद्र पाल सिंह ने पूरा बात ही घुमा दिया, कि इन्होंने तब कहने लगे कि चलो कोई नहीं, बहुत हो गया, ये डील को कैंसिल करो। नरेंद्र जी आप मुंह से बात करते हो ना कहाँ से बात करते हो, इतना दूर से यूपी से, यूपी का बुलंदशहर से आप लोग का पंजाब में जो जहाँ पे आप लोग का कैनल है वहाँ पे ये लोग पहुँच गया, वहाँ पे जाके आप बोल रहे हो डील कैंसिल करो, क्या ये मजाक चल रहा है? हाँ आप लोग पूरा नॉर्थ इंडिया का नाम, आप लोग जैसा कुछ ब्रीडर के कारण पूरा नॉर्थ इंडिया का नाम मिट्टी कर रहे हो, मिट्टी कर रहे हो। जितना भी नाम कुछ बचा हुआ है वो नाम को रहने दो, आप लोग जैसा कुछ चंद ब्रीडर के कारण पूरा के पूरा नॉर्थ इंडिया बदनाम हो रहा है। अंकल जी कुछ शर्म करो, आपका उम्र हो रहा है, आप सही से काम करो सर, आप सही से काम करो। देखो मैं आपका कुछ नसीहत नहीं दे रहा हूं, आप जो घटिया काम ये आपका भास्कर जी के साथ किए हो वही पब्लिक को एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपने जो किए हो वो पब्लिक को एक्सप्लेन कर रहा हूं, यही मेरा काम है। एंड वहां पे जाके ये नरेंद्र जी बोल रहा है कि भाई डील कैंसिल करो, हलवा पा लिया, प्यार हलवा पा चाहिए लिया। या फिर मार, पहले ही फैसला कर ले। ये 50 शेड्स ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्या 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 चाहिए? क्या किस चीज की जरूरत है तुझे? मुझे किसी जाट की जरूरत है, वो रोहतक का होना चाहिए, भिवानी का होना चाहिए, वो कोई हरियाणवी होना चाहिए, पंजाबी होना चाहिए। जाट की जाट नहीं मिलेगी तुझे, इसे ना राष्ट्र पशु केंद्र भेज देना चाहिए। ऐसे खुले में ये ज्यादा जब समय मन जीवित। चाहा डील करो, जब मन चाहा डील कैंसिल करो, ये हलवा नहीं है सर, ये हलवा नहीं है। तो जो भी हो, ये भास्कर जी यानी उनका पिताजी का बहुत इन ये लोग को रिक्वेस्ट किए, उसके बाद इन्होंने माना, तो वहाँ से एक मेल लेके मेल लिया, एंड फादर्स मदर्स को छोड़ो,
तो बच्चा मतलब बच्चा ही देने वाला नहीं था, जो भी हो बहुत रिक्वेस्ट करके करके ये लोग को मिल गया, यही बहुत बहुत बड़ा बात है। वो लोग तो भाई लेके 9-2-11 वहाँ से हो गया। एंड पेपर्स, सबसे बड़ा लोचा है पेपर्स भाई। ये जो जहाँ पे मतलब जब इन्हें आपका भास्कर जी पंजाब में गया था, उस टाइम आपका अगस्त महीना था, 2020 का अगस्त महीना था। एंड पेपर्स में, पेपर्स उनको जब मिला, वो पेपर्स में जनवरी, जनवरी महीने का डेट ऑफ बर्थ है। यार सोच लो कि कितना बड़ा घोटाला करता है ये आपका गुड़ सेवक कैनन। किधर कांड में का है? आप सोचो ये आदमी को क्या क्या बोलना चाहिए, आप बोलो। हम व्यूअर को बोल रहा हूँ, ये जो ब्रीडर है इनको क्या बोलना चाहिए। इनके साथ देखो बुजुर्ग है, इनका शर्म रियाज नहीं करना चाहिए, शर्म रियाज नहीं करना चाहिए। कोई सिंपैथी का बात नहीं है, गलत किया है, गलत किया है, इसीलिए एक्सपोज हो रहा है। अगर गलत नहीं करता तो एक्सपोज नहीं होता, सीधा सा बात है। अगर गलत नहीं करता तो एक्सपोज नहीं होता। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? तो बना बोलते 5 लाख कब दोगे? ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। भाइयों बहनों, देश को काले धन ने भी बर्बाद किया है, देश को काले मन ने भी बर्बाद कर दिया है। अब तक 1.25 करोड़ लोगों से भी ज्यादा लोगों को बिजली का कनेक्शन मुफ्त दिया गया है। ठहरो एक मिनट देता हूँ। आपने देखा, गलत किया है, एक्सपोज हो रहा है, इसमें हैरानी का क्या बात है? गलती करेगा भाई तो आपका तो नुकसान भरना पड़ेगा। और ये सबसे बड़ा लोचा किया है आपका नरेंद्र पाल सिंह ने केसीआई के साथ। और ये जो मैटर मैं बोल रहा हूँ, ये एक मैटर है, और ये 25 साल से ऐसा ब्रीडिंग कर रहा है। आप लोग व्यूअर सोचो तो इतना दिनों में कितना ऐसा फ्रॉड काम किए है, जो ये उम्र में आके, जो ब्रीडर ये उम्र में आके ऐसा घिनौना काम कर सकता है, आप एक बार सोचो। और जो आदमी भाई इनका तरफदारी करता है, जो तरफदारी करेगा वो भाई अलग बात है, करो। झूठे आदमी का अगर तरफदारी आप करोगे तो आपका जो क्वालिटी है, आपका जो नेचर है, उसमें भी उंगली उठेगा। भाई आप भी इन ये लोग के साथ जुड़े हुए हो, आप भी ये लोग के साथ जुड़े हुए हो। आप एक बार सोचो कि ये आदमी 25 साल में कितना ऐसा गुल खिलाए। और मैं केसीआई को बोल रहा हूं, खास करके आप जब नॉर्थ इंडिया में आपका बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक से पता करके क्या करो सर, पता करके क्या करो। क्योंकि आप लोग को शायद पता नहीं होगा कि ये कुछ करप्ट जो सेक्रेटरी लोग हैं वहाँ का कैनल क्लब का, ये लोग ये ब्रीडर से पैसा खा के सब कुछ कर सकता है। ये सारे के सारे जो वीडियो देख रहे हो, ये लोग को पता है, कोई इसमें छुपा हुआ कोई बात नहीं है। ये सारे के सारे पंजाब का लोग जानता है, चाहे आपका नॉर्थ इंडिया में जितने सारे ब्रीडर कम्युनिटी है, सारे के सारे लोग जानता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, क्या गलत बोल रहा हूँ भाई? जो गलती किया है वही बातें आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये भी, ये जो मेल लाया, ये भी आपका बाइट आउट है, अंडर शॉट है, अब देख लो वीडियो। तो यार सोचो ये आदमी क्या गुल खिला रहा है। और शो क्वालिटी भाई छोड़ो, शो क्वालिटी कहाँ आता है, ना रिंकल है ना कुछ है, देख के लगता है डोबरमैन, देख के लगता है डोबरमैन। आप देखो अजीब सा ही फ्रेंच मैस्टिव है, अजीब सा ही फ्रेंच मैस्टिव है। और व्यूअर, फ्रेंच मैस्टिव लेने से पहले एक बार आप लोग जांच पड़ताल कर लो, ऐसा फ्रॉड ब्रीडरों का चक्कर में मत पड़ो।
क्योंकि आपके साथ भी ये धोखेदारी हो सकता है और ब्रीडर का उम्र एज देख के आप लोग तरस मत खाओ कि भाई ये सच्चा होगा, ये कुछ ऐसा नहीं कर सकता है। बिल्कुल ये ना सोचो, क्योंकि ये लोग का खून में ऐसा फ्रॉड मिला हुआ है और ये लोग कुछ भी कर सकता है, पैसों के लिए ये लोग कुछ भी कर सकता है। और इसमें कोई ऐसा बात नहीं है कि भाई आप लोग से रहम करेगा, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। आपके साथ कोई ऐसा रहम नहीं करेगा ये लोग। एक बार लेने से पहले 10 बार सोचो और ये सब फ्रॉड बीडरों से बिल्कुल ना लो। एंड ये मिस्टर भास्कर शर्मा का पूरा वॉइस रिकॉर्ड है, वो भी आप सुन लो, ठीक है। और जुड़ा रहिएगा डॉगिस लाइफ के साथ। डॉगिस लाइफ आपके साथ है, सच के साथ है, और डॉगिस लाइफ में जो सच है वही दिखाता है, खबर को मॉडिफाई नहीं करता है, जो सच है वही दिखाता है। नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं और एक नया वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सेफ रहिए, और ये कोविड सिचुएशन में खास करके मास्क पहना करो, बिना मास्क का बाहर मेरे को एक प्रॉब्लम है हूं मैं, और इस प्रॉब्लम को आपके अलावा पूरे इंडिया में कोई सॉल्व कर ही नहीं सकता। क्या प्रॉब्लम है सर, बोलो। सर मेरे संग एक स्कैम हो गया, काफी बड़ा, फ्रेंच मैस्टिफ में। ब्रीडर कौन है? गुरसेवा कैनल, नरेंद्र पाल सिंह। गुरसेवा कैनल? हाँ जी, हाँ जी। क्या हुआ? सर इतना ये लगाओ, मैंने स्कूबर्स पे उनका इंटरव्यू देखा था। स्कूबर्स पे? अच्छा। हाँ जी, स्कूबर्स पे। और पिछले साल मैंने मार्च में उनसे फ्रेंच मैस्टिफ का पेयर मंगाया एक जी। और पेयर जो था उसमें मैंने उनसे पहले ही कहा था कि मेरे को जो मेल है ना वो शो के लिए चाहिए। अच्छा, मतलब उसमें आपको, मेरा जो आपको ब्रीडिंग करना है, मतलब अलग अलग ब्लड लाइन का चाहिए, ये बोले ना शो क्वालिटी बोले तो थोड़ी। हाँ जी, वही मैंने ब्रीडिंग के लिए लिया था। मतलब वैसे तो मैं ब्रीडर नहीं हूँ, लेकिन मैंने उनसे पहले ही कह दिया था कि जो मेरे को मेल है ना वो शो क्वालिटी का चाहिए। बिल्कुल, जो भी बेस्ट होता है। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मिल जाएगा। तो वो मेरे घर पे यहाँ फ्रेंच मैस्टिफ का पेयर देने आए थे। अच्छा। और उनसे जब हमारी डीलिंग हुई थी तो मेरे पास एक फ्रेंच मैस्टिफ की फीमेल थी, मैं उसकी आपको फोटो वीडियो सेंड करूंगा। काफी सुपर क्वालिटी की थी वो। जी जी जी। वो मेरे ताऊ जी ने किसी पंजाब के ब्रीडर से ली, उसे वो गुरसेवा कैनल वाले ले गए थे, और जो हमसे बाकी पैसे लिए थे, बाकी जो पेयर था उसका उन्हें वो दे गए थे यहाँ पे घर पे ही आके। अच्छा। वो तब मेल जो हुआ था ना 6 मंथ के पास का, तब उसके बाइट में फॉल्ट हो गया था, उसका था अंडर शॉट थी काफी ज्यादा। अच्छा, हाँ, मतलब ये नहीं था कि एक का दांत बाहर हो, जो नीचे वाला पूरा जो था वो पूरा ही बाहर था उसका। अच्छा, इसीलिए आपने वो एक्सचेंज कर लिया? हाँ जी। और उसका जो था, नहीं नहीं नहीं, वो जो उनके हाथ से आया था 6 मंथ का होने के बाद वो निकला था ऐसा। ओ, मतलब वो गुरसेवा कैनल का जो रॉटवीलर पाप लिए थे आपने उसके। हाँ जी, हाँ जी, फ्रेंच मैस्टिफ। हाँ, बाइट फॉल्ट हो गया। हाँ, और उसके पैर भी जो थे, पैर भी दोनों टेढ़े थे उसके। और शुरू से था? हाँ नहीं, पीछे वाले हाथ जैसे जैसे बड़ा हुआ, बोलते ना वो हिप डिस्पेसिया। हाँ जी, वो निकला उसका। अब फिर मेरी उनसे बात हुई, थोड़ी गर्मा गर्मी तो होती ही था, पहली बार ऐसे कोई फ्रॉड कर देता है। जी जी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे मत करो, एक काम करो, आप ये जो आपने मेल जो बड़ा कराया 6 महीने वाला, इसे मैं ले लूंगा। एक जो बढ़िया से बढ़िया बच्चा होगा मेरे कैनल का, वो दे दूंगा मैं आपको। अच्छा। इस मेल को मैं ले आऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे भी होता है, हम कोई नहीं इसका खर्चा जो है हम छोड़ देंगे, सोचेंगे चलो कोई नहीं। उसकी वैक्सीनेशन वगैरह आपको तो पता ही, कितना खर्चा होता है मेल को बड़ा करने में। जी 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 जी। 6 मंथ का कर लिया था वो हमने, और उसकी हाइट भी फुल पकड़ ली थी उसने। अच्छा। मतलब फुल मैच्योर करके दिया था। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, फिर उन्होंने एक मेल की फोटो भेजी कि एक काम करो इसे लेने आ जाओ, इसके पेरेंट्स वगैरह मैं आपको अपने यहाँ ही दिखा दूंगा कैनल पर ही। अच्छा। अब तो तब कैनल पे डैडी लेके पहुंचे, हम हैं बुलंदशहर यूपी से। अच्छा। अब वहाँ पंजाब लेके गए फतेहगढ़ साहिब। मतलब ये आपका अमित भराना का एरिया? हाँ जी, हाँ जी, यूपी में। मेरे को भी पता है अमित भराना यही से शायद आसपास ही। आप लोग का आसपास में रहता है अमित? हाँ जी, हाँ जी, कभी कभार बात होता है, बोलो। हाँ
हाँ जी, तो फिर हम यहाँ से पंजाब लेके गए थे डैडी, कार करी थी हमने, और उसे मेल को लेके गए, बड़े वाले को, छोटा मेल को लेने के लिए। जी। तो वहां पे जाने के बाद वो कहते हैं कि एक काम करो, आप डील कैंसिल करो, जो मेरे बड़े मतलब जो आपने बड़े करे उन्हें दे जाओ, और उसे जो है फिर पैसे वगैरह डील कैंसिल करो आप पूरी। अच्छा। और फिर वहां उन्हें समझाया कि ऐसे मत करो ये सब, तो फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है इसे ले जाओ। मतलब वहां जाने के बाद तो कोई और ऑप्शन ही नहीं था ना, तब कोई ऐसे हाँ करने लगे तो ये हाँ तो बदतमीजी होती है मैन, कि आपने कह के बुला लिया और फिर वहां मना कर रहे हो। जी। तो फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने मेल दिया, कैनल में जो भी डॉग थे, डैडी को पेरेंट्स वगैरह दिखाने की तो फिर कुछ बात ही नहीं रहेगी, जब मेल ही बड़ी मुश्किल से मिल रहा है उनसे वहां से। जी। हाँ जी, अब उनसे जो मेल आया है ना दूसरा, उसकी भी बाइट में फॉल्ट निकला, वो हो गया है 8 मंथ के आसपास का हो गया, अगस्त में आया था वो। हाँ अच्छा। जी, अब इसकी भी बाइट में फुली बाइट फॉल्ट है, इसका अंडर शॉट है, नीचे वाले दांत बाहर ही है पूरे, जी। नहीं कोई रिंकल वगैरह है कुछ, और हाइट भी कुछ खास नहीं है। और इसका जी जो सबसे बड़ा एक स्कैम है वो है इसके पेपरों में, पेपर जो दिए ना पेपरों में इसकी एज है, पिछले साल की जो बर्थ है इसकी शायद जनवरी है लास्ट ईयर की, अच्छा। मतलब किसी और के ही पेपर उठा के दे दिए, कोई मतलब नहीं कि नहीं, ये कैसे पता चला आपको पेपर आपका जाली दिया है? पेपर वो उन्होंने हमें दिया था ना, इसकी एज हम इसे लेके आए अगस्त में, और डेट ऑफ बर्थ है पेपर में इसकी जनवरी। अच्छा, हाँ जी, और शायद अगस्त में जब आप लेके आए उसका एज ज्यादा ज्यादा आपका 2 महीना होगा, 30 हाँ जी, नहीं, ये दिया था 1 महीने का ही। दिन का बच्चा। हाँ जी, हाँ जी, 1 महीने का। मैं आपको फोटो वीडियो भेज सकता हूँ, उसमें आप बड़ा बच्चा है। अच्छा, ये मतलब कितने में सौदा हुआ, मतलब टोटल अब जब प्यार लिए थे प्यार का कितने में सौदा किया था? इन्होंने जो है हमारी बड़ी फीमेल ली थी वो फुल मैच्योर थी वो, हाँ और उसके बाद में इन्होंने हमसे 25,000 डलवाए थे अकाउंट में। अच्छा हाँ जी, यही हुई थी डील। अच्छा मतलब बड़ा फीमेल ले लिया प्लस 25,000 लिया, उसके बदले हाँ में जी, दो मतलब पाप हाँ मतलब ये दिए। हाँ पप्स दिए थे, हाँ ऐसी मतलब अंडर 1 मंथ के अंदर अंदर के थे, मतलब छोटे से एक एक ब्लान के से। अच्छा, तो जब वो आपको दिए वो उसका बड़ा हुआ तब उसका मेल का वो आपका बाइटिंग इशू था एंड एच डी प्रॉब्लम था, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, एंड उसके बाद वो आप